प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन
समाप्त करवा है अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चयानुसार व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। कैसी लगी दोस्तों ये गुरु बृहस्पति देव की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ मिल सकें।